नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। और अब खबरें विस्तार से। रुड़की के नारसन से शुरू हुई किसान सम्मान यात्रा रुड़की तक पहुंची। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और विपक्ष के नेता यशपाल आर्य के साथ सैकड़ों कांग्रेसी नेता और किसान शामिल हुए। हरीश रावत ने कहा कि अब किसान भाजपा की नीतियों से उकता चुका है और 2025 में सरकार बदलने के मूड में दिखाई देने लगा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि देश का किसान अन्नदाता है और भाजपा सरकार ने उनका अनादर किया है। इसी बात को लेकर अब किसान इस झूठी सरकार से उकता चुका है और 2024 में पूरे देश से सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। रुपया किसानों का अपमान है। दूसरा, हमने कहा था बिजली पानी 6 महीने का माफ़ करिए और कर्ज जो ले रखा किसान ने उसका ब्याज 6 महीने का माफ़ करिए। इकबालपुर चीनी मिल के बकाए का भुगतान प्रारंभ करिए जो उस चीनी मिल पर है और गन्ने का खरीद मूल्य 425 रुपये से अधिक घोषित करिए। और उसी दिन हमने स्पष्ट कर दिया था, मुख्यमंत्री को ही कहा था, तब तक हमारी सम्मान यात्राएँ जारी रहेंगी। पहले झबड़िया में निकाला, आज हम चौधरी चरण सिंह का आशीर्वाद लेकर के नारसन से रुड़की तक निकाल रहे हैं। हमने देखा है कि सरकार को झुकना पड़ा है किसानों के सामने और यही आज आलम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरी जमात यहाँ पर ट्रैक्टरों के जरिए अपने गुस्से का इजहार कर रही है, अपने हक की बात कर रही है। और मेरा मानना है कि पूरी कांग्रेस, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय हरीश रावत जी को जिन्होंने एक शुरुआत की है किसानों की आवाज़ को बल देने के लिए, लगातार कोशिश कर रहे हैं और हम सब पूरी पार्टी उनके साथ है। किसान सम्मान यात्रा का एक आयोजन हुआ और अंधी बहरी इस गुंगी सरकार को जगाने के लिए आज किसान, आप देख सकते हैं कितना सड़कों पर आ चुका है। हज़ारों की तादाद में ट्रैक्टर है और कई हज़ार की तादाद में किसान है। और अय्याज भाईजान पूर्व राज्य मंत्री के नेतृत्व में भी 250 ट्रैक्टर का काफिला खत्ताखेड़ी गाँव से आया है, जिसे आसपास के क्षेत्र के किसान थे। और जो है आज ये कुछ ना कुछ निर्णय होगा, नहीं होगा तो ये बहुत बड़ा रूप ले लेगा। नगर निगम के वार्डों में स्वच्छता समितियां के माध्यम से कार्य कर रहे 998 कर्मचारी की नियुक्ति पर नगर निगम प्रशासन ने भी जांच शुरू कर दी है। इन्हें 4.5 साल पहले नगर निगम ने वार्ड बॉय तैनात किया था। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने इन कर्मचारियों को नगद में वेतन देने और पीएफ कटौती नहीं करने पर नगर निगम से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। इस पर नगर निगम ने कर्मचारियों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। सफाई कर्मचारी हमारी जो स्वच्छता समितियां हैं वो पार्षदों के अंडर में हैं और अब तो मुझे लगता है कि जांच का विषय कोई नहीं है, क्योंकि जितने भी कर्मचारी हैं उनको उनके खाते में पैसा जाता है, बैंक से जो है उनको भुगतान होता है। तो मुझे लगता है कि इस किस्म की दिक्कत नहीं है। जांच हो रही है तो जांच होनी चाहिए,
उससे जो है निष्पक्ष जांच हो जाएगी तो सब चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जहां पहाड़ों में आजकल पतझड़ का मौसम चल रहा है, सारे फलदार पेड़ों पर फूल और पत्तियां टूटकर पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, लेकिन इस पतझड़ के मौसम में पहली बार कई सेब के पेड़ पर फूल और पत्तियां खिले हुए नजर आ रहे हैं। जोशीमठ सीमांत के बड़गांव में आजकल सेब के बागानों में कई पेड़ों पर अद्भुत किस्म के नजारे देखने को मिल रहे हैं, जो एक पहलू बना हुआ है। जबकि सेब के पेड़ों पर अप्रैल और मई के महीने के बीच लगभग सारे फलदार पेड़ों पर फूल और पत्तियां खिलना शुरू हो जाता है, लेकिन यहां अक्टूबर के महीने में पेड़ों पर फूल और पत्तियां खिले हुए नजर आ रहे हैं। दून शहर में विकास कार्य और निर्माण होने के कारण कई ऐसी सड़कें अस्तित्व में आई हैं जो सार्वजनिक घोषित नहीं हो पाई हैं, जिससे उनके रखरखाव में समस्या हो रही है और जनता को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग ने भी नगर निगम को जानकारी दी है कि विभाग ने शहर में कई सड़कों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित प्रस्ताव तैयार किया है, लेकिन उनके सार्वजनिक सड़क घोषित नहीं होने के कारण स्वामित्व को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इससे लोक निर्माण विभाग को इन सड़कों पर कार्य करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर आयुक्त ने ऐसी सड़कें चिन्हित कर इन्हें सार्वजनिक घोषित करने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सूची उपलब्ध करवाने को कहा गया है। ऐसा कोई नहीं है, चाहे नगर निगम काम करे, चाहे पीडब्ल्यूडी काम करे, चाहे कोई भी कार्य संस्था काम करे, उद्देश्य एक ही है कि क्षेत्र में विकास कार्य होने चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि नगर निगम के माध्यम से कोई रुकावट हो रही है, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कोई रुकावट हो रही है। जनता भी यही चाहती है कि हमारी जो क्षेत्र की समस्या है, चाहे सड़क की है, पानी की है, बिजली की है, कहीं गड्ढे हो रखे हैं, तो उनको चाहे कोई भी कार्यदायी संस्था काम करे, काम समय पे होने चाहिए। रेलवे ने जिला प्रशासन के साथ लालकुआ के राजीव नगर बंगाल कॉलोनी क्षेत्र के 9 कच्चे पक्के मकान चिन्हित करते हुए नोटिस जारी किए। वहीं रेलवे प्रशासन ने रेलवे यार्ड की दीवार से 60 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई की पैमाइश करते हुए एक सप्ताह में अतिक्रमण तोड़े जाने के आदेश दिए। गौरतलब है कि लालकुआ रेलवे यार्ड के विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है, जिसमें नगीना कॉलोनी के बाद रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर बीते दिनों अतिक्रमण हटाया गया था, जिसके बाद तीसरे चरण में राजीव नगर बंगाली कॉलोनी क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर अतिक्रमण चिन्हित की कार्यवाही की गई। राजीव नगर में रेल विभाग की कुछ भूमि अतिक्रमण के रूप में चिन्हित हुई है, उसमें लगभग करीब 9 लोगों को नोटिस निर्गत किए गए हैं। अभी ये प्राथमिक कार्रवाई है नोटिस निर्गत करने की, काफी टाइम दिया गया है लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए। दोनों पक्षों को विधिक जो भी रहेगा उसके अनुसार सुना जाएगा और जो सक्षम न्यायालय है वहाँ उन्हें सुना जाएगा। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा स्थित हिंडोला खाल क्षेत्र के बिटुला गांव की महिला सुधा देवी पर भालू ने हमला कर दिया। भालू ने महिला को सिर से लेकर गर्दन के पास गंभीर रूप से नोच लिया। परिजन और कीर्तिनगर प्रशासन किसी तरह से महिला को बेस चिकित्सालय लाए, जहां बेस अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद महिला को एम्स ऋषिकेश रेफर किया, जिस पर देवप्रयाग विधानसभा के विधायक विनोद कंडारी ने घायल महिला को तत्काल उपचार दिलाने के लिए घायल महिला को हेली सेवा के जरिए एयरलिफ्ट की व्यवस्था करवाई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने भाई मुझे ऐसी कोई सूचना मिली है कि आपकी माता जी को भालू ने हमला किया है, तो उस समय अपने यहाँ से निकल के श्रीनगर तरफ, तो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में आ रहे थे, तो मैंने तत्काल SDM कीर्तनगर को फ़ोन किया। मैंने तत्काल आप वहाँ भेजा, फॉरेस्ट टीम भेजा, मैंने कहा हमारे कार्यकर्ता भी वहाँ भेजा रखे थे, तो तत्काल उपचार पूरी टीम वहाँ पर डॉक्टर विक्रम सिंह जी के जो वहाँ पर जो अधिकारी हैं उनको खड़ा किया और लगभग तुरंत गति से उन्होंने जो है उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। मगर क्या कि सिर में चोट ज़्यादा थी, न्यूरो सर्जन की आवश्यकता थी, तो मैं देहरादून में था, मैंने परिवार से बात की, फिर मैं तत्काल मैंने जो है उपजल अधिकारी से बात की, DM से बात की, तत्काल कागजी कार्रवाई जो होती है और तुरंत हेलीकॉप्टर की सरकारी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की। लगभग मैं इस प्रक्रिया को मैंने 1-2 बजे के आसपास में ये प्रक्रिया पूरी कर दी थी। लगभग 4 बजे के आसपास हेलीकॉप्टर यहाँ श्रीनगर लेकर एम्स में पहुँचा, एम्स में खुद पहुँचा और मैंने खुद उनको भर्ती कराया। ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत सितारगंज कोतवाली पुलिस द्वारा 15 घंटे में ट्रक चोरी का खुलासा करते हुए चोरी का ट्रक
और दो चोरों को गिरफ्तार किया। वहीं एसपी सिटी मनोज कत्याल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 17 अक्टूबर को शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज करवाई कि वो बिलासपुर से लकड़ी की कुट्टी भरकर सितारगंज सिडकुल को ड्राइवर ट्रक लेकर आया था। वहीं लकड़ी की कुट्टी को सिडकुल में उतार कर किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर ट्रक को चोरी करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। ट्रक चोरी के खुलासे के लिए टीम गठित की गई थी। वहीं पुलिस टीमों ने सीसीटीवी कैमरा की मदद से हमीरपुर गाँव के किनारे से नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। है कंटेनर टाइप का जो इसको जिसकी चोरी का मामला प्रकाश में आया था। सिडकुल क्षेत्र की घटना थी, तो क्योंकि सिडकुल में जितनी भी इंडस्ट्री लगे हैं उसको एकदम से सेफ एनवायरनमेंट देना और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना ये हमारी शीर्ष प्राथमिकता में है। तो जैसे ही सूचना मिली तत्काल हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और इसमें जो भी एक्यूज थे उनका रोल हम लोगों ने इसमें वेरीफाई किया, तो उसके बेस पे हम लोगों ने इनकी जो एक्यूज है उसकी अरेस्टिंग की और उसी समय उससे हमने ये ट्रक भी बरामद किया। जहां पूरे भारत में नवरात्रों और दुर्गा पूजा की रौनक देखने को मिल रही है, तो वहीं हरिद्वार धर्मनगर के लक्सर में भी स्थित रुद्र महादेव शिव मंदिर पर नवरात्रों में इस बार दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर बड़े उत्साह के साथ दुर्गा माँ की सुबह और शाम पूजा आरती कर माँ का आशीर्वाद और माँ से अपने लिए मनोकामनाएं मांग रहे हैं। आपको बता दें मंदिर पर चल रही दुर्गा पूजा का समापन विजयादशमी के दिन एक विशाल भंडारे के साथ किया जाएगा। सनातन धर्म का हमारा ये परंपरा है, ये माता रानी है, परंपरा चलती आई है। दुष्टों का राक्षसों का इन्होंने श्रृंगार किया है, सभी देवताओं ने इनको आचमन किया। ये पूजा हमारी परंपरा चलती आ रही है। इस जगह पर भी आज पहली बार ये पूजा शुरू करी है, ये पूजा यहाँ से अब चलती रहेगी। ये माता रानी माता जी की आरती है जिसमें हम लोग शामिल हुए थे और ये आरती हम सब मिलजुल कर करते हैं। माता जी की सुबह शाम दोनों टाइम आरती की जाती है पूरे धूमधाम से। यहाँ पर सब लोग एक साथ मिलते हैं, आरती करते हैं। पंचम नवरात्र के मौके पर लोहाघाट के गोरखा नगर में गोरखाली समाज के द्वारा माँ दुर्गा की भव्य आकर्षक झांकी निकाली गई। झांकी का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश पांडे और विशिष्ट अतिथि एसओ लोहाघाट मनीष खत्री ने दीप जलाकर किया। माँ दुर्गा की भव्य झांकी के आगे छलिया नर्तकों का दल और महिलाओं की भव्य कलश यात्रा चल रही थी और माँ की झांकी के पीछे महिलाओं के द्वारा माँ के जयकारे लगाए जा रहे थे। झांकी को पूरे लोहाघाट नगर में घुमाया गया। दुर्गा महोत्सव कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष शेखर गोरखा ने बताया प्रथम नवरात्रा से गोरखा नगर में 10 दिवसीय दुर्गा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों की विभिन्न प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ साथ रात्रि में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में मौसम सुहाना होते ही एक बार फिर से तीर्थ यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। आपको बता दें कि धाम में अब तक 16 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। पिछले दिनों धाम में हल्के हिमपात होने की वजह से तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी देखी गई थी। धाम में चटक धूप खिलने के बाद भी तीर्थयात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। हालांकि धाम में ठंड ने दस्तक दे दी है, सुबह शाम कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। वहीं तीर्थयात्री घंटों घंटों तक भगवान नारायण हरि के सिंह द्वार पर लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए देखे जा रहे हैं। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत पहले लंदन, बर्मिंगम, दिल्ली और दुबई और अबू धाबी में विभिन्न निवेशक समूहों के साथ बैठकें हुई। पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, फार्मा, कृषि, एग्रो के क्षेत्र में निवेशकों से काफी करार हुए हैं। निवेशकों का उत्तराखंड आने के लिए और निवेश के लिए मन में आकर्षण है। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ के निवेश पर दुबई और अबू धाबी में करार हुआ है। इसके अलावा काफी प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। देश के अन्य शहरों में भी निवेशकों के साथ संवाद और रोड शो किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि 8 और 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट अभी तक करार हुए सभी करारों को धरातल पर उतारने का काम हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 2 दिवसीय यूएई दौरे के दौरान कुल मिलाकर 15,475 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू किए गए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमने करने का और इसका सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का काम आगे बढ़ाया है, उसके तहत पहले हम लोग लंदन में और लंदन, बर्मिंगम और दिल्ली में और अभी दुबई और अबू धाबी में पिछले 3 दिनों से लगातार विभिन्न विभिन्न निवेशक समूह से मिले हैं, जिसमें पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत सारे कृषि एग्रो, इन सभी फार्मा के क्षेत्र में बहुत सारे निवेशकों से हमारे करार भी हुए हैं और बहुत से बात भी हुई है। सभी से बात करने के बाद एक बात जो हम लोगों को कहीं ना कहीं उत्साह प्रदान करती है कि हमारा काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लोग उत्तराखंड आने के लिए, लोगों के अंदर एक मन में आकर्षण भी है, उनकी चाहत भी है। जीएसटी भवन में जीएसटी विभाग के द्वारा बिल लाओ इनाम पाओ योजना के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अप्रैल और मई के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विजेताओं को विभिन्न पुरस्कार जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और एयरपोर्ट वितरित किए। डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल कैबिनेट मंत्री ने कहा, ये आंकड़े दर्शाते हैं कि योजना को लेकर जनता में असीम उत्साह है और उनके द्वारा आधिकारिक बिलों को अपलोड किया गया है। इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार विजेता और पुरस्कार वितरण में पूर्ण पारदर्शिता रहे, इसलिए संपूर्ण प्रक्रिया में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं रखा गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में विधानसभा स्थित कार्यालय में मसूरी विधानसभा की सड़कों के संदर्भ में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मंत्री ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई दिनों से लंबित सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि क्यारा धनौल्टी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। इसके निर्माण से धनौल्टी की दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र के अंतर्गत पुल निर्माण और सहस्त्र धारा स्थिति बाईपास निर्माण के मार्ग के निर्माण से जाम की समस्या से आमजन को निजात मिल सकेगी। मेरे क्षेत्र के कई पुल व अन्य सड़कों की जो काफी दिनों से लंबित है, इसी प्रकार सहस्त्रधारा में एक बाईपास मार्ग, क्योंकि वहां पर जाम लगता है बड़ा रोड जो है बाईपास की, इन सारे कामों की समीक्षा मैंने यहाँ पे की है। और एक क्योंकि 2019 से मैं उसका शिलान्यास कर चुका हूँ और शेष 4 किलोमीटर सड़क का घोषणा मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी खेत में करवाई थी, वो त्रुटिवश धनौल्टी में चली गई। इन सारे विषयों को लेकर उनसे बातचीत भी है, शीघ्र ही मुझे आश्वस्त किया है पर सचिव ने कि शीघ्र ही उसका 15 दिन के अंदर उनका समाधान कर दिया जाएगा। और जो सड़कें हमारी स्वीकृत हुई हैं उनके शिलान्यास लोकार्पण भी शीघ्र किए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जाति आधारित जनगणना को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान सरकार उसे टालती रही। उनकी मांग है कि जाति आधारित जनगणना शीघ्र कराई जाए, यदि उनकी सरकार आती है तो 2024 में ये उनकी प्राथमिकताओं में रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये इसीलिए जरूरी है ताकि मालूम पड़े कि उन जातियों के लिए क्या किया जाना शेष है। हरीश रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र द्वारा संवैधानिक आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, सरकारी पद नहीं भरे जा रहे, चतुर्थ श्रेणी के पदों को खत्म किया जा रहा है, रेल, टेलीकॉम, हवाई, रक्षा क्षेत्रों को पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है और जब ये संस्थाएं नहीं रहेगी तब पद भी नहीं होंगे।
जातीय जनगणना की जो बात है, ये लोग जो इनका मेन मकसद है वो ये है कि लोगों को किस प्रकार हम विभिन्न जातियों में विभिन्न वर्गों में बांटें और बांट करके अपनी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करें। तो जनता बहुत अच्छे से समझती है सब चीज़ें जो हैं वो, जिस प्रकार से हमारी जो संस्थाएँ हैं, चुनाव आयोग हैं, तमाम और जो इससे रिलेटेड संस्थाएँ होती हैं वो इसके लिए स्वतंत्र हैं। और सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है, सरकार के पास सिर्फ, देखिए हमारा सीधा सा मानना है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे लिए जाति सिर्फ एक है और वो है गरीब। सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी विधानसभा चंपावत दौरे के दौरान गुरुवार को एक बार फिर से लोहा घाट की प्रसिद्ध कोली ढेक झील पहुंची, जहां झील पहुंचने पर ब्लॉक प्रमुख नेहा ढेक, ग्राम प्रधान सबरजान और नौगा संचालक संघ और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद गीता धामी ने महिलाओं के साथ झील में वोटिंग का जमकर लुत्फ उठाया। गीता धामी ने झील को पर्यटन के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया। गीता धामी ने कहा कि झील का भी और ज्यादा विकास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी पूरे प्रदेश को आगे लेके जाने के लिए जो है कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उनका सपना है कि हमारा उत्तराखंड श्रेष्ठ राज्यों में आकर के खड़ा हो और इस उत्तराखंड को हर क्षेत्र में, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड आगे बढ़े। और वाकई में हमारे उत्तराखंड में जो है बहुत संभावनाएं भी हैं। आज जो है जिस तरह से हर क्षेत्र में विकास कार्य आगे बढ़ रहे हैं, जो ये लोहाघाट या चंपावत पूरा जिला है अपने आप में एक प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत है। और इस प्रदेश के यशस्वी युवा कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जब से इस सूबे की कमान संभाली, तब से लगातार इस कोली ढेक का त्वरित गति से निर्माण भी हुआ। पूर्व में तकरीबन 30 करोड़ की लागत से यहाँ पर कुछ जितना भी आप ढांचा बना हुआ देख रहे हैं बन चुका है, और 38 करोड़ की अभी DPR एस्टिमेट बन के शासन में गया है। बहुत जल्दी वो भी स्वीकृत होके यहाँ उस धरातल पर वो कार्य दिखेगा। मैं अपनी सरकार को इस हमारे कोली ढेक में जो ये रोजगार मिला है हमारे युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में, इसके लिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी। और हमारे कल से हमारी क्षेत्र में आई हुई हमारी गीता धामी जी को भी मैं बहुत धन्यवाद। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।